यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज बात करेंगे हरियाणा की, जहां सरकार बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की, लेकिन एचएसएससी को लेकर जिस तरह का घोटाला सामने आया है, धांधली के मामले सामने आए हैं, वो सरकार के दावों से कतई मेल नहीं खाते। जी हाँ, एचएसएससी को लेकर मनोहर सरकार घिरती नजर आ रही है, लेकिन सरकार के फिर भी दावे हैं कि जांच करवाई जा रही है और विपक्ष के आरोप हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है और सत्ता के संरक्षण में घोटाला किया गया है। तो जिस तरह से मामला सामने आया है उसको लेकर जवाब हम लेंगे सरकार से, हरियाणा बीजेपी से हम जवाब लेंगे, साथ ही विपक्ष से भी चर्चा करेंगे और ये जवाब ले जाने की कोशिश हम करेंगे कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक खास पैनल है मेरे साथ, प्रवीण अत्री साहब हैं, इनेलो का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में, साथ ही केवल ढिंगरा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे, कुमार रमेश हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस चर्चा में हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे इनेलो से। अत्री साहब, क्या लगता है जिस तरह से बातें की जाती है कि जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार को लेकर इतना बड़ा घोटाला सामने आता है, लेकिन सरकार कहती है कि जांच करवा लें। देखिए ज्योति, आपने बिल्कुल सही कहा, पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, इस तरह के नारे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती रही है, लेकिन लगातार पिछले 3.5 साल में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले प्रदेश की जनता के सामने आए हैं। ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मामला है, उसी फहरिस्त में ये एक और मामला जुड़ गया है। और हैरानी देखिए क्या है, पिछले विधानसभा सत्र का अगर आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने जब एक ऑडियो आई थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ कि उन्होंने किस तरह से पैसे लिए, उस वक्त सदन के अंदर बाकायदा मामला उठाया और अभय सिंह जी ने तो बाकायदा जिक्र किया था कि जब पंचकुला के अंदर आगजनी की घटनाएं हुई थी डेरा प्रकरण के दौरान, उस वक्त 4 मोटरसाइकिलें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर खड़ी थी जो आगजनी में जली थी। किन लोगों की मोटरसाइकिल थी, वो लोग छुट्टी वाले दिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर में क्या कर रहे थे और बाकायदा उस आगजनी होने के बावजूद उन मोटरसाइकिलों का इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं लिया गया, केवल इस वजह से कि ये मामला बाहर ना आ जाए। जब ये बात विधानसभा सत्र में उठाई गई, हैरानी इस बात की थी कि उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी ने अपने चेयरमैन को क्लीन चिट दे दी बिना किसी जांच के। और आपको याद होगा उस ऑडियो मामले में तो सुभाष बराला, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, एक दिन पहले अखबार में बयान जारी कर दिया था और क्लीन चिट दे दी थी बिना किसी जांच के। तो उससे एक चीज स्पष्ट समझ में आ गई कि ये जो भ्रष्टाचार है मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में, चेयरमैन साहब की नॉलेज में लगातार किया जाता रहा, ये आज समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है कि सरकार जांच के नाम पे लिपा पोती कर रही है, जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी सरपरस्ती में ये घोटाला लगातार हो रहा था, उनको कहीं ना कहीं बचाने की कवायद है। अब जिस वक्त अभय सिंह जी सदन में बात कर रहे थे, उस वक्त भी ये बात डिमांड की गई थी कि सीबीआई जांच करवाई जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री बजाय सीबीआई जांच की बात की मांग को मानने के उन्होंने कोशिश की ये कह के कि चेयरमैन साहब 3 साल से कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखिए ऑडियो आती है चेयरमैन साहब के खिलाफ, उस वक्त मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे देते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाहर जो ये मोटरसाइकिल वाला प्रकरण हुआ इसकी बात जब की गई तब वो क्लीन चिट दे देते हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में हो रहा है फिर सब कुछ। अब ये घोटाला खुद सरकार मान रही है कि घोटाला मान लिया गया कि 8 से 9 महीने से शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद सीएम का उड़नदस्ता छापेमारी करता है, उसके बाद ये कहा जाता है सीएम की ओर से कि भले ही मैं भी दोषी हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उस वक्त देखिए आज ये बात कह रहे हैं कि 8 से 9 महीने से शिकायतें मिल रही थी, जब अभय सिंह जी ने सदन में मामला उठाया था उस वक्त तो आप मुकर गए थे, उस वक्त तो आपने जांच की मांग को भी ठुकरा दिया था, उस वक्त तो आपने अपने चेयरमैन साहब को क्लीन चिट दे दी थी। और हैरानी देखिए, इतना मामला उठने के बावजूद चेयरमैन साहब नैतिकता भी कहीं नहीं बची, चेयरमैन साहब को चाहिए था कि वो खुद अपना पद छोड़ देते, लेकिन सरकार ने उसी वक्त हैरानी एक और बात की है, उधर विधानसभा विपक्ष के नेता मामला उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और सरकार चेयरमैन साहब को 3 साल के कार्यकाल का एक्सटेंशन दे रही है। बिल्कुल ढिंगरा साहब, और इसमें दिलचस्प ये भी है कि 7 मार्च को कार्यकाल बढ़ाया जाता है, बजट सत्र उस वक्त चल रहा है, 23 मार्च को इस बात की जानकारी दी जाती है, सार्वजनिक किया जाता है कि कार्यकाल बढ़ा दिया गया भारती का। बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है जो इस सरकार ने किया है और इसके अंदर मुख्यमंत्री का भी रोल जो है वो सम्मिलित पाया जा रहा है, जिस तरीके से ये गड़बड़ है और इतनी देर से ये बात को छुपाया जा रहा था और आज जो है एकदम से मुख्यमंत्री का दस्ता जो है अपने आप को छुपाने के लिए ये सारी कार्रवाई हुई है। जिस तरह से ओएमआर शीट के पहले नीचे के पेज गायब कर रहे थे और उस तरह से ऊपर का जो लिस्ट है उसके ऊपर नंबर कुछ आता था, नीचे वाला लिस्ट जो है वो कोई मान नहीं रहा था,
और इस ये कई देर से फिरिस्त में चल रहा था, जब इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया और ये पुनीत सैनी जो था वहां पे, इसको दिल्ली के एक कार्यालय, जो बीजेपी के कार्यालय में दफ्तर का जो वहां का एक आदमी था, उसको ये जो चेयरमैन साहब है, जो भारती जी, ये वहां से लेके आए और इनको आईटी का सीक्रेसी ब्रांच का इंचार्ज किस तरीके से लगाया और ये कैसे लगाया, ये भी एक इशू बहुत बड़ा है। और एक दूसरी बात ये भी है कि वो ये सुनने में आ रहा है कि वो सैलरी नहीं ले रहा था, तो वो सैलरी नहीं ले रहा था तो काम कैसे कर रहा था, उसकी रोजी रोटी कैसे चल रही थी, उसकी आजीविका का क्या मामला था जे उसने आज तक सैलरी विड्रॉ नहीं करी। तो ये बहुत बड़ा घपला जो है वो सरकार की नाक के नीचे चल रहा था, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आज वो सरकार इसमें क्लियर कट जो है एक बड़े घोटाले में जो है फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी सीबीआई की जांच जरूर फौरी तौर पे होनी चाहिए, नहीं तो ये इसके अंदर जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट हुए, जितने भी ओएमआर शीट्स बनी, वो सारी इधर की उधर हो सकती है। इसलिए ये सारी की सारी सीक्रेसी ब्रांच का डाटा जो है और कंप्यूटर जो है वो सीधे सीधे जो है इनके पास सीबीआई की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की जांच होनी चाहिए कि वो अपने पास रखे, क्योंकि हरियाणा सरकार इस समय उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। यहां पे इश्यू ये है कि हरियाणा सरकार ही इस मामले को हैंडल कर रही है और इसमें जो है गड़बड़ी का अंदेशा हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है सीबीआई की, उसको जरूर चाहिए कि वो इसमें हस्तक्षेप मुख्यमंत्री करवाए अगर वो अपने आप को पाक साफ साबित करना चाहते हैं, नहीं तो उनका भी इसके अंदर कुछ ना कुछ समनिति जो पाया जाना है, क्योंकि उनकी अगर इंटेंशन साफ है तो सीबीआई को जांच देनी चाहिए। है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाइए, ये हवाला दिया जाता है कि जांच हम करवा रखे हैं, लेकिन किस तरह की जांच करवाई जा रही है, कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए ये जब हमारी कुमार रमेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने आवाज़ उठाई और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने चाहे अपने पुलिस से जांच कराई, चाहे एसआईटी बना के जांच कराई, ये तो साबित तो हो ही गया कि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा था, क्योंकि अब जो पुलिस का जो रिमांड पेपर है वो साफ साबित करता है कि ये लोग पैसे ले रहे थे और पैसे लेकर के जॉब दूसरों को दे रहे थे। दरअसल पुलिस की अगर रिमांड शीट हम पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये कॉल करते थे और कहते थे कि आपका नंबर कम है और आप लिस्ट में पास नहीं हो रहे और आप अगर हमारे से सेटिंग लेंगे तो हम आपको जो है आगे पास करा देंगे ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। आज आप समझते कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है कि आम आदमी के पास नौकरी नहीं है और जो बच्चे अपने घर से गाड़ी मेहनत कमाई ले जाकर के फीस भरते हैं और एग्जामिनेशन में कंप्लीट करते हैं, तो उनको लगा कि अगर वाकई अगर हमने इनको पैसे नहीं दिए तो हम पास नहीं होंगे, तो वो बच्चे जो है लालचवश उनके चक्कर में झांसे में आते थे, उनको पैसे देते थे, जबकि कई जगह स्थिति ऐसी भी थी कि वो क्लियर होते। लेकिन आप हैरान होंगे कि कई प्रश्न पत्र तो ऐसे हैं जो अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं, जबकि हमने खुद आज सारी कवरेज करी और बनाया सारा सिस्टम इसका, उसमें देखा कि एक दो प्रश्न ऐसे थे जिस पर तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी। उसमें पूछा गया कि पंचायत का जो प्रतिनिधि जो पंचायत होता है उसका सर्वोसर्वा कौन होता है, तो उसका जवाब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या देता है कि राष्ट्रपति होता है, जबकि सभी को पता है एक आम बच्चे से पूछा जाए तो उसको ही पता होता कि पंचायत का जो सर्वोसर्वा होता है वो सरपंच होता है, उसी के अंडर एक सिस्टम है, इसको छोटी सरकार के रूप में जाना जाता है, जो अपना एक स्वायत्त सिस्टम होता है उसके हिसाब से चलती है। लेकिन यहाँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहता है कि जो पंचायत का सर्वोसर्वा होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो ये जरूरी नहीं कि जो आपको ज्ञान हो वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उनको सही आता हो, उनको सही लगता हो। तो ऐसे सवाल कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सरकार को खड़ा करते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो प्रश्न पत्र बनाने वाली प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि हम तो प्रश्न पत्र को देख करके ही आंसर दे रहे हैं ना, और पता लगा वो गलत निकल गया फिर तो हम तो फेल हो गए, बाहर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि बहुत गड़बड़ है और जाहिर तौर पर विपक्ष की जो मांग है सरकार को एक बार तो विचार करना ही चाहिए। साथ ही त्रिसाब, जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसके बाद हाईकोर्ट अगर जांच के आदेश देता, उससे पहले कि सीएम उड़नदस्ते ने छापेमारी की है, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसमें से 5 लोग वो हैं जो सीधे एचएसएससी से जुड़े हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए ज्योति, पहली बात तो ये है कि ये छोटे गुर्गों को पकड़ के बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश है। दूसरी बात, अभी एक आरोपी का जिक्र ढिंगरा साहब ने भी किया, पुनीत सैनी, जो दिल्ली भाजपा दफ्तर में काम करता था, आउटसोर्सिंग पे खुद जो चेयरमैन है भूषण भारती जी, उनके सिग्नेचर से उसको अपॉइंट किया गया इतने इंपॉर्टेंट विभाग के अंदर। और एक और आरोपी जिसके बारे में आप चर्चा ये है कि वो जो आरोपी है
वो एक इनके मेंबर को, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, मेंबर साहिबान को पंचकुला में एक प्रॉपर्टी दिलवाते हैं 2 महीना पहले। हाँ। और वो जो बीच में जो दिलवाने वाला है वो आरोपी है इस मामले के अंदर। तो इन सब चीजों से प्रथम दृष्टया तो स्पष्ट नजर आता है कि ये मामले में बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व थे, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था और सरकार को इसकी CBI जांच करवानी चाहिए, प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई आए। लेकिन सरकार की कोशिशें, अगर अभी तक के मामले को अगर आप देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कोशिश ये है कि जिनकी सरपरस्ती में ये भ्रष्टाचार चल रहा था उनको बचाया जाए और छोटे गुर्गों को फंसाया जाए, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिश हो रही है। लेकिन बात जब बार बार सरकार ये बयान देती है कि पिछले 9 महीने से कंप्लेंट्स आ रही थी, कार्रवाई चल रही थी, मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जब विधानसभा सत्र में इस बात पर चर्चा हो रही है और विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था तो सरकार चर्चा से क्यों बच रही थी? सरकार क्यों नहीं चाहती थी इसके ऊपर चर्चा हो? बार बार सरकार की तरफ से कोशिश हुई। हरियाणा बीजेपी से जवाब लेंगे, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता के हमारे साथ संजय शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। शर्मा जी नमस्कार, साथ ही आपसे चलिए संपर्क टूटा है बहुत शुरुआत में, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि जब सरकार को जानकारी थी तो अब जांच करवा रखी है और साथ ही जीरो टॉलरेंस की बातें कैसे कर सकती है सरकार। ढिंगरा साहब, क्या लगता है जिस तरह से सुरजेवाला की ओर से भी कहा गया कि 200 करोड़ से 500 करोड़ का ये पूरा घोटाला हो सकता है, तो जो चेयरमैन हैं आयोग के उन पर FIR क्यों नहीं की जाती? जो आयोग है उसको रद्द क्यों नहीं किया जाता? इतनी गंभीरता के साथ शुरुआत क्यों नहीं की जाती जांच की? देखिए, यही मैं वही कह रहा हूँ कि ये सरकार उसकी लीपापोती कर रही है। और जिस तरीके से आप ये देखें, उसके अंदर एक सुपरिटेंडेंट था सुभाष पराशर, जिसको एक NDA बच्चा था जिसके नंबर कम करके और उसको टॉप NDA के, उसने हरियाणा सरकार में पेपर दिया था एक अपना सेक्रेटरी लगने का, तो उसके नंबर कम करके और दूसरे बच्चा जो इनका था उनके नंबर ज्यादा करने का काम भी इसी के अंदर है। और इस तरह के कई घोटाले, जब इसको चेक करेंगे तो कई सारे घोटाले निकलेंगे। जिस तरह से अमाउंटों का जिक्र हो रहा था कि ड्राइवर भर्ती में 3 से 4 लाख रुपए की बात थी, क्लर्क में 4 से 5 लाख रुपए। बीजेपी को जोड़ लें, ढिंगरा साहब फिर से आएंगे आपके पास, संजय शर्मा फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शर्मा जी, किस तरह से तो ये जीरो टॉलरेंस है इस बात का जवाब दीजिए, और कितने आप लोग जांच को लेकर गंभीर है इस बात का भी जवाब दीजिए। HSSC को लेकर बड़े घोटाले के आरोप है आपकी सरकार पर। ज्योति, टॉलरेंस ना होते तो मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता इस तरह के केस को उजागर ना करता। कोई भी सरकार अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तभी करती है जब उसको भ्रष्टाचार को काबू में करना हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है, पारदर्शी सरकार है। ये सरकार ऐसी नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास से नौकरियों लगने के लिए पर्ची चले। है इतने बड़े मामले में हरियाणा के जो युवा हैं उनके रोजगार, उनके भविष्य के साथ ही मसला जुड़ा है, साथ ही आपके दावों वादों के साथ मसला जुड़ा है। सीएम का उड़नदस्ता छापेमारी करेगा, 8 महीने से शिकायतें मिल रही है, उसके बाद एक्शन के नाम पर ये छापेमारी और गिरफ्तारियां काफी है। ये तो जब कोई शिकायत मिली है उसके आधार पर उनके ऊपर एक आंख रखी गई, उनके ऊपर एक रैकी की गई और उन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों के सारे सबूत जुटाए गए, उस सबूत के आधार पर उनको पकड़ा गया। तो ये सरकार कार्रवाई करती हुई दिखा रही है ना कि हम इस प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी लेवल पर कोई इस तरह का काम करेगा। क्या सरकार का संरक्षण हो सकता है जो कि आप लोगों की ओर से आरोप भी है? देखिए, सरकार का संरक्षण है ये बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब चेयरमैन साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार की ऑडियो आती है, विधानसभा में मामला उठता है, ना तो सरकार चेयरमैन साहब का इस्तीफा लेती है और ना चेयरमैन साहब इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे देते हैं विधानसभा में चेयरमैन साहब को। और इसके अलावा देखिए, अभी ये बात कही जा रही थी, क्लर्कों की भर्ती के मामले में FIR हुआ, ड्राइवर्स की भर्ती के मामले में FIR हुआ, और जिन लोगों के खिलाफ FIR जिसका नाम लेके किया गया उनके ऊपर तो लगाम नहीं लगा सकी सरकार, उनको तो पकड़ नहीं सरकार सकी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में सब हो रहा था। मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा था ये सब। इसी वजह से ये जो दिखावा है, अभी संजय जी ने एक बात कही है कि सरकार कार्रवाई दिखा रही है, यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार केवल दिखा रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार कार्रवाई करती तो सबसे पहले चेयरमैन साहब का इस्तीफा लेती है, चेयरमैन साहब को हटाती बजाय उनको एक्सटेंशन देने के। और अब आपके सामने एक चीज रख दी जाए, बता दिया जाए कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े व्यापक पैमाने पे हो रहा है, बजाय आप उस पे कार्रवाई करते, आपने तो चेयरमैन साहब को एक्सटेंशन दे दी 3 साल की, मेंबर्स को आपने एक-एक साल की एक्सटेंशन दे दी। संजय शर्मा जी, देखिए सवाल उठेंगे, चेयरमैन को आप एक्सटेंशन देते हैं, 7 मार्च को ये फैसला लिया जाता है, 23 मार्च को ही जानकारी क्यों दी जाती है जब बाकी सदस्यों की जानकारी पहले देते हैं आप? क्या किसी तरह की फिर मंशा में खराबी रही? ज्योति, एक आप एक समझदार एंकर हो, एक समझदार पत्रकार हो, मुझे ये बताइए
कि इसमें चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो गई? अरे चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट कैसे नहीं हुई, विभाग के प्रमुख है भाई वो। अरे सुनिए तो, अरे वो विभाग के प्रमुख है या नहीं है, उनके खिलाफ ऑडियो आया था या नहीं आया था ये बता दीजिए आप। अगर चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व होते तो इस तरह का कार्रवाई सरकार थोड़ी करती, इसीलिए तो सरकार ये लिखावा कर रही है भाई। आप लोग जांच से पहले कैसे क्लियर कर देंगे कि वो इन्वॉल्व नहीं है, बिना जांच के बीजेपी कैसे कह देगी वो शामिल नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए शामिल मैं कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे वो शामिल नहीं है, हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। वो निष्पक्ष जांच तभी होगी जब आप उनको चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। सुनिए, जांच के नाम पर सीएम का उड़नदस्ता छापेमारी करेगा, गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी, यानी कि गाज जो गिरेगी वो छोटी मछलियों पर गिरेगी, इतना माना जाएगा साहब। देखिए जिस तरह से भारती जी का रोल 75 लाख रुपए की पहले रिश्वत मामले में रहा, तो अब वो जो है उसी को ही आप वो उनको अगर आप रखेंगे उनकी सरपरस्ती में, कैसे आप इस चीज की निष्पक्ष जांच कराएंगे? इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से सीबीआई से जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये जब आप दूसरे मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हर मामले में सीबीआई की जांच खोलते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं खोलने में आपको क्या इतराज है? आप जब खुद फंसते हुए नजर आते हैं तो आप पल्ला झाड़ते हुए क्यों नजर आते हैं? आपको सीबीआई की इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच क्यों नहीं करानी चाहिए? क्यों आप ये चाहते हैं कि वहां पे जो पेपर है वो इधर उधर हो जाए, वहां पे जो कंप्यूटर के अंदर जो सामान है वो इधर उधर हो जाए, क्यों चाहते हैं आप? इसका मतलब आप मिले हुए हैं और इस वजह से भारती जी को एक्सटेंशन देने का क्या मतलब था जब उनके ऊपर 75 लाख एक और, एक और बड़ा लगे? एक और बड़ा पहलू है इस पूरे मामले का, संजय शर्मा जी, जब कहा गया सीएम के उड़नदस्ते की ओर से कि 8 से 9 महीने से शिकायतें मिल रही थी, ये वो वक्त था जब कलर्क की भर्तियों के रिजल्ट आए, पटवारी की भर्तियों के रिजल्ट आए, क्या सरकार ये दम भरेगी कि ईमानदारी के साथ भर्तियां की गई हरियाणा में? फिर मैं ज्योति यही तो कर रहा हूँ, ईमानदारी से सरकार ने किया है, इसमें जो भर्ती हुई है उसमें कोई गलती नहीं हुई है, केवल मात्र जो चीजें सामने है। सुनिए तो सही, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए तो सही, भर्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, केवल मात्र इन कर्मचारियों ने ये किया कि इन्होंने देख करके कि कौन व्यक्ति सिलेक्ट हो रहा है, कौन व्यक्ति के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उन व्यक्तियों से संपर्क करके उनसे पैसे ऐंठना, ये काम उन्होंने किया। भर्ती लेवल पे कोई हेराफेरी नहीं हुई, भर्ती लेवल पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। नहीं, जब पैसे लिए गए 3 से 10 लाख रुपए, रेट निर्धारित कर दिए गए अलग अलग, वही कह रहा ना, देखिए बड़ी बात है, कर दिए गए, भर्तियों में धांधली नहीं हुई, तो धांधली कहां हुई है? हैरानी होती है ज्योति इस बात से, भारतीय जनता पार्टी सुविधा की राजनीति करती है तो पूरा देश जानता है, लेकिन आरोपों में भी अपनी सुविधा ढूंढते हैं, ये पहली बार समझ में आ रहा है। खुद ही ये कहते हैं कि 8-9 महीने से कंप्लेन मिल रही थी, खुद ही ये बात मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा था लेकिन हमने उसकी जांच की, और खुद ही ये बात कहते हैं जी नौकरी तो पारदर्शी ढंग से लगी। अरे साहब, जब भ्रष्टाचार हो रहा था आप मानते हो तो नौकरियां कैसे पारदर्शी ढंग से लगी? वो समझ में नहीं आता है कि पारदर्शिता का पैमाना क्या है भारतीय जनता पार्टी का। अभी खुद ये माना गया कि जी हमने आउटसोर्सिंग और सारा मिला के 24,000 नौकरियां दी जो चेयरमैन की तरफ से कहा गया, इसका मतलब ये है कि वो 24 की 24,000 नौकरियां अगर आपने दी है, अगर ये बयान सच है तो उसका मतलब आपने पैसे लेके दिए। तो जो बच्चे जिनका दावा बनता था, जो ईमानदारी से नौकरी चाहते थे, आपने उनके हक के साथ धोखा किया और भ्रष्टाचार किया, पैसे लेके अयोग्य को नौकरी दी, ये आप खुद मान रहे हैं। तो आप चेयरमैन का इस्तीफा लेने में आप खुद मान रहे हैं, आपकी तरफ से बयान आ रहे हैं, ये पुलिस की चार्जशीट के अंदर लिखा हुआ है, पुलिस की चार्जशीट के अंदर लिखा हुआ है कि रिश्वत लेके उनको उनको कहा ये जो है भर्ती हुई, पुलिस की चार्जशीट के अंदर लिखा हुआ है। देखिए गुंजाइश है जहां पर पैसे लिए जाने की, कुमार रमेश जी पीएम ये कहते हैं कि इंटरव्यू किया जाना जो सी और डी वर्ग की जो भर्तियां हैं उसका मतलब है धांधली होना, पैसा लेना और जिस तरह से ईमानदारी का ना रखना, उसके बाद भी हरियाणा सरकार लंबा इंतजार करती है, ये भर्तियां जो हुई उनमें इंटरव्यू के नंबर बढ़ा दिए गए, फिर मंशा पर सवाल उठेंगे। देखिए ये जब लास्ट में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि जो है आगे से इंटरव्यू ना हो, और कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कि जिनके घर से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उनको 5 नंबर मिलेंगे, उसके बाद उनको 2 नंबर, ये इससे पहले ये सारा कुछ जो खेल था वो हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे मामले की जानकारी दी और बताया कि आने वाले समय में अब इंटरव्यू बिल्कुल समाप्त होंगे और इस कदर जो है आपको नंबर मिला करेंगे। लेकिन दिलचस्प जो खेल ये रहा सारे मामलों में
कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो ड्राइवर्स की नौकरी की बात निकली, हमने उसका वीडियो देखा कि एक अभ्यर्थी वहां पहुंचा और वो अपना ड्राइविंग का टेस्ट देने गया था, और ड्राइविंग का टेस्ट दे रहा तो जो वहां पर उनके जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो शाखा प्रबंधक हैं, वो वहां खड़े थे और शाखा प्रबंधक उसको इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा राइट में रखो, थोड़ा सा राइट में रखो, और वो साफ तौर पर इशारों से हाथ दिख रहा है। और जबकि आप इस प्रकार की कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव, कोई भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में कंप्लीट करने आया है, वहां पर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लगे। इसके अलावा एक और क्लिप है जो आज भी वायरल हो रहा है, और ये क्लिप ऑलरेडी जो है हाईकोर्ट में भी इसकी कॉपी सबमिटेड है, उसमें ये है कि जो कृष्ण मंत्री, अपना परिवहन मंत्री कृष्ण पवार हैं, उन्होंने, उनका एक स्क्रीनशॉट है जिसमें उन्होंने दो लोगों की सिफारिश की है कि इनको आगे कंसीडर किया जाए, और हैरानी की बात है कि इसमें से एक तो कंसीडर भी हो गया। तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं तालमेल करके बताते हैं कि सरकार घोटालों के धांधली के एक पीड़ित है। हमारे साथ अजय देशवाल फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और जिस तरह से आंसर शीट की बात कर ली जाए, साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से पैसे लिए गए 3 लाख से 10 लाख के, आपने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है, आप पीड़ित हैं इस मामले के, क्या बताएंगे? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, जो घोटाले का खुलासा हुआ, जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं अजय देसवाल। तो मैंने ये भी यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी का एग्जाम दिया था एसएससी में, और मेरे सेकंड हाईएस्ट नंबर थे रिटर्न एग्जाम में, और जो फर्स्ट हाईएस्ट है नंबर वो है जो ऑलरेडी अभी जिनको इस कांड में पकड़ा गया है, पराशर जी है जो यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट है एसएससी में, उनके लड़के हैं अंकुश पराशर, तो उनका सबसे ज्यादा मार्क्स है रिटर्न में, और मेरे सेकंड हाईएस्ट होने के बावजूद इंटरव्यू में मुझे 6 नंबर दिए थे 25 में से, और इससे पहले मैं 2 बारी आईएएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैं 3 बारी एचसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ एचपीएससी में, और तो उसके बाद मुझे कोई कारण नहीं मिलता कि मुझे 6 नंबर किस बेसिस पे दिए गए। मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा में कितने जिले हैं, सफीदों में, मैं सफीदों से बिलोंग करता हूँ, सफीदों में सबसे प्रसिद्ध जो है वो नाग क्षेत्र है, वो किस राजा ने बनवाया, और सबसे आखिर में जो जिला ऐड हुआ था वो कौन सा था, ये 4 क्वेश्चन है, ये मैं समझता हूँ कोई भी हरियाणा का नागरिक जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो भी दे सकता है। तो मुझे ये बताइए कि 6 नंबर किस कारण पे दिए गए, यानी कि ये सब, और जो जिन बच्चों का 3 सीटें थी जनरल कैटेगरी के लिए, तो दिन एक तो अंकुश का हुआ है। आपको लगता है कि इंटरव्यू के जो नंबर बढ़ाए गए या सी और डी में जो इंटरव्यू के नंबर खत्म नहीं किए गए, इंटरव्यू खत्म नहीं किए गए, ये धांधली के दरवाजे खुले रखे गए मनोहर सरकार की ओर से उस वक्त तक? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सब धांधली के दरवाजे ही थे। अब आखिरी साल में जब इलेक्शन नजदीक है, आप ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू के नंबर खत्म कर दे जाएंगे, 4 साल से क्यों नहीं किया इन्होंने? बिल्कुल, अब क्या फायदा हुआ, और तो वोट बटोरने की बातें हो रही है। देखिए, इससे बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मार्जिन रखने के लिए कि आप 10 से 25 तक नंबर बढ़ा देंगे, बहुत बड़ा मार्जिन रखा जा सकता है, बड़ी धांधली की पूरी गुंजाइश है। 21 नंबर दिए गए इस मामले में। संजय संजय शर्मा जी, किस तरह की जांच करवाएंगे सर, किस तरह की जांच करवाएंगे कि आपकी सरकार पर सवाल ना उठे कम से कम? हमारी सरकार ने इतना ट्रांसपेरेंसी से काम किया, इसके बावजूद भी आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए, कांग्रेस के समय में 20 नंबर का पेपर होता था या 40 नंबर का पेपर होता था, 80 नंबर के होते थे, तो सही कहते थे या उस बात को डिनाय कीजिए? सुनिए तो सही, हमने किया ना, फिर देखिए, एक चीज को पहले हमने अच्छा किया, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को करने जा रहे हैं। संजय शर्मा जी, स्टेप बाय स्टेप के लिए आप इंटरव्यू के नंबर बढ़ाते हैं, समय रहते क्यों नहीं किया गया? साथ ही ये बताइए, क्या होता है ज्योति, सुनिए, किस तरह की जांच करवाएंगे जब सीएम कहते हैं कि मैं भी दोषी पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा, किस तरह की जांच होगी? हर तरीके से जांच कराएंगे, और जांच में जो भी इसके अंदर पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पानी हो जाएगा, सीबीआई जांच करवा दीजिए, अगर आपने अच्छा किया तो पता लग जाएगा। चलिए, शुक्रिया सभी का, आगे समय नहीं चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए। तो सवाल यही थे कि जांच किस तरह की करवाई जाएगी, अगर इतनी बड़ी धांधली होती है और इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो जीरो टॉलरेंस कम से कम नहीं है।